गुजरात में व्यस्त कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी 22 फरवरी की देर रात यूपी के वाराणसी का दौरा करने पहुंच गए। पीएम नरेंद्र मोदी के इस औचक दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के साथ शहर की दो दिवसीय यात्रा की शुरुआत की। पीएम मोदी को देखने के लिए रात के समय भी वाराणसी में लोगों की भारी भीड़ दिखी। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए समर्थकों की भीड़ सड़कों पर जमा हो गई और उत्साह पूर्वक उनके काफिले पर फूलों की वर्षा की गई। गौरतलब है कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क, रेल, विमानन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कई विकास परियोजनाएं शुरू करके वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्रों को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वाराणसी में शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग का उद्घाटन किया था। इस सड़क परियोजना ने लखनऊ और एयरपोर्ट जाने वाले लगभग 5,00,000 लोगों को राहत प्रदान की। इससे ट्रैफिक को कम करने और बीएचयू से हवाई अड्डे की ओर यात्रा की दूरी को 75 मिनट से घटाकर 45 मिनट में तय करने में मदद मिली।